बाइंग इंडियाज फर्स्ट टेनर अगेन। यहाँ पे चेसी नंबर पे है 00001। और आपके सारे डायलॉग हमें याद है, 200 200 200 200। डुकाती बेच दी मैंने, बेच के ले ली। इस लेन में चार सुपर बाइक ब्रांड है और चारों की बाइक अपने गैराज में। आज हम लोग जा रहे हैं एक और सुपर बाइक बुक करने के लिए। Yes, you heard it right। अब कौन सी है थोड़ी देर में बताएंगे, बट आपको वो एक मतलब यहाँ पे गेस करना है। ये जो देख रहे हो ना टी शर्ट, इसका जो कलर है वो ब्रांड का कलर यही है, समझ गए ना बात को। तो यहाँ पे कर देते हैं नए ब्लॉग की शुरुआत। What's up you beautiful people, की हालचाल, सत श्री अकाल। वैसे यार आई एम तो मोर देन हैप्पी सीइंग द ऑफिस ट्रांसफॉर्मिंग, मतलब मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है ये आर्टवर्क ऑफिस में। कब से करवाना चाह रहा था बट फाइनली 2022 में ये चीज हो रही है। एक साल पहले सोचा था, अभी बहुत सारा काम पेंडिंग है इसीलिए खुल के आपको ये सारी चीजें मैं नहीं दिखा रहा हूँ, नहीं इसके बारे में बता रहा हूँ। बट एक बार जब ये कंप्लीट हो जाएगी ना तो मैं दूंगा आपको पूरा ऑफिस का टूर और समझाऊंगा मेरी फिलोसफी और क्यों क्या चीज हमारे ऑफिस में है और उसका क्या पर्पस है। अच्छा एक और अपडेट है जी अपने कैलेंडर को लेके, कि अपना कैलेंडर अभी आएगा, थोड़ा डिले होके आएगा क्योंकि बहुत सारी चीजें रोक रही हैं हमारे कैलेंडर को। जहाँ पे प्रिंट हो रहा है वहां भी थोड़ा सा डिले चल रहा है बिकॉज ऑडी वन चल रहा है तो उनके पास में स्टाफ नहीं है। दूसरी चीज है आई वॉन्टेड टू डू अ लॉन्च पार्टी, छोटा सा ही सही, बट वो भी अभी कीपिंग द करंट सिनेरियो इन माइंड पॉसिबल नहीं है। सो उस पे थोड़ा सा हम लोग वर्क कर रहे हैं, जैसे ये चीज बाहर आएगी मतलब हम आपको अपडेट कर देंगे, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स ऑलरेडी आना चालू हो चुके हैं इसके बारे में। एंड टुडे अगेन आई एम क्रेविंग टू राइड दिस। और एक और हिंट आप सबके लिए, मतलब जहाँ पे अभी हम जा रहे हैं ना बाइक बुक करने के लिए, वहाँ पे इसका शोरूम भी है। क्या नहीं बोला तूने, नहीं पहले क्या बोला, चल चल चलो जाके इलाज करो अपना। भाई साहब काहे का जाम है दोस्तों। तो जितनी खुशी से मैं निकला था ना ऑफिस से, उतना ही सैड हो गया हूँ इतना ट्रैफिक देख के। समझ में नहीं आ रहा व्हाट इज द रीजन। ओहो मे बी एक तो ये बस खराब हो गई जो बहुत स्लो चल रही है। अच्छा सो दिस वॉज द ओनली रीजन। अच्छी बात है रास्ता थोड़ा सा खुल गया है, थोड़ा बाइक चलाएंगे इंजॉय करेंगे, क्योंकि यार भाई बार ये ब्रो मेरे को तो एक तो राइड का बहाना चाहिए था। तो मैंने अपने दोस्तों को बोला तुम लोग आओ गाड़ी में, मैं जाता हूँ बाइक में और वहीं पे मिलेंगे। अब गाड़ी और बाइक का क्या मुकाबला, इसीलिए मैं उनके साथ साथ में नहीं चल रहा हूँ, मैं अपनी धुन में चल रहा हूँ और वो लोग पीछे हैं अभी मुझसे। सो आई विल बी फर्स्ट एज ऑलवेज। ओ यस बेबी। तो ये वाला मेरा शॉर्टकट हर बार काम आता है भाई, मतलब मेरे को इधर में ना इस रूट पे बहुत ट्रैफिक मिलता है। मैं काफ़ी टाइम से ना एयरपोर्ट वाले रूट से आता हूँ ना तो ट्रैफिक मेरे को बच जाता है। ऑल दो थोड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, थोड़ा स्लो मूव होता है यहाँ पे, बट ठीक है रुकना नहीं पड़ता कहीं पे भी स्टैंड स्टिल। करना है मुझे ट्रैवल लेके अपने टेंट, करना है मुझे ट्रैवल लेके अपने टेंट, भाई लोग वी आर इन दिल्ली कैंट। देखो कितने दिन बाद कितना बासा पुराना सा मैंने यहाँ पे एक शायरी मारा। फिलहाल देखो ऐसा है जब तक मेरे दोस्त लोग आएंगे गाड़ी में, मैं कोशिश करता हूँ डुकाती पे रुक जाता हूँ, क्योंकि मुझे इसके ना बेसिक समझने हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की कौन सी सेटिंग सही है। और एक चीज़ मैंने नोट करी, मतलब देखो यहाँ पे ना प्लग होता है बट ये वाला टाइट है, ये ऐसे खींचने में निकल जाता है, ढीला है। अब क्या रीज़न है इसका और कैसे सेट करते हैं यहाँ पे अपने ऑलिंस के सस्पेंशंस, तो वो भी मेरे को चेकआउट करना है। एंड दो तीन चीज़ें मैं समझना चाहता हूँ, जैसे व्हीली कंट्रोल कैसे ऑफ करना है। लगानी नहीं है व्हीली मुझे बट पता होना चाहिए ना, कल को इसको ट्रैक पे ले जाएंगे और दिल करेगा पॉप करने का, तो वो सारी चीज़ें मुझे सीखनी है इस डुकाती के बारे में। एंड अगर वहाँ पे कोई मर्चेंडाइज अच्छी लगी, जैसे मेरे को वो नज़र है, मेरी नज़र है उनकी हुडी बहुत अच्छी है, जब तक सर्दियाँ हैं मैं पहन सकता हूँ बढ़िया सी डुकाती की एक हुडी। सो आई गोना सी सम ऑफ द मर्चेंडाइज, तो जो अच्छा लगेगा उसको भी ले लेंगे। एंड वॉशिंग की भी ज़रूरत है तो आज देखेंगे कहाँ पे हमें फ्री वॉश मिलेगा, करवा देंगे। जैसे फ्री कॉफ़ी पीते हैं हम, फ्री वॉश भी करवाते हैं।
बताऊंगा इसके बारे में आपको कभी। तो दोस्तों एक डायलॉग हमारी जेसन नेशन फैमिली के लिए। इस लेन में चार सुपर बाइक ब्रांड है और चारों की बाइक अपने गैराज में है। दैट इज सो डैम ऑसम टू से। मुबारक हो जी, मुबारक हो। कांग्रेचुलेशन सर, बाइक आपकी फॉर द बाइक। तो अभी अभी पेमेंट कर दी ना, कर दो ना। भाई बहुत भूख लगी है, चाय का जुगाड़ तो यहाँ हो रहा है, बट साथ में कुछ खाने को मिल जाए तो मजा आ जाए। सैंडविच अच्छे थे भाई, अभी नहीं बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ कि हमने क्या बुक कराया। हिसाब लगा रहे हैं कि ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, बुकिंग कैंसिल भी हो सकती है। नहीं नहीं, बुकिंग कैंसिल नहीं होगी, ये सोच में पड़ जाएगा इसको। नहीं नहीं नहीं, अब नहीं होगी, कुछ भी हो बुकिंग कैंसिल अब नहीं होगी। लेकिन सब कुछ छोड़ गए, ये बाइक मेरे चक्कर में आ रही है, ये KTM लेने जा रहे थे, डेढ़ घंटा समझाया। मेरे चक्कर में भी आ रहा है, मैंने इसको बोला था देख अगर बजट का इशू नहीं है तो गो फॉर दिस, अगर बजट का इशू है तो गो फॉर द KTM एडवेंचर। एड भी बुक कर रहे सर, कावासाकी में KTM की बातें नहीं कर सकते। एक चीज है प्लीज, है ये बात से मुकर न जाए, ऐसा कैंसिलेशन का एक पॉलिसी डाल दो, नो कैंसिलेशन। नहीं मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नो रिफंड, जो बुकिंग अमाउंट आया वो रिफंडेबल नहीं है। अब पैसा ही पैसा होगा, हम पार्टी कर लेंगे आपस में। चाहे आप नहीं नहीं, चाहे आप निंजा 300 लेके जाओ, बट लेके जानी पड़ेगी। ये डाल दो भाई, ये डाल दो यार। फाइनली हमें भी एक राइडर मिल गया संडे के लिए। यस यार, हम भी बहुत खुश हैं यार, बहुत खुश हैं यार। चले यार खाने के लिए मंगा, थोड़ा प्रीमियम सेगमेंट में मंगा। हाँ आज आज हम पिज्जा मंगा सकते हैं, मैगी भाई कुछ करी लड़के ने। भाई देखो ये गारंटी है, हम जो भी बाइक खरीदेंगे यहाँ से, जो भी बाइक ये ले रहे हैं ना, एग्जॉस्ट तो ये डलेगा भाई। सेम आवाज क्या आवाज आ रही है, मजा आ गया, दिल खुश हो गया भाई मेरा। मित्रों लेट मी प्रेजेंट यू द ऑल न्यू 2021, अभी तो 2022 आ गया बट ये पहला प्रोडक्शन यूनिट है। अभी आपको नहीं समझ में आएगा किस बारे में बात कर रहा हूँ। इधर आओ खन्ना जी, यहाँ पे चेसी नंबर पे है 00001 बोले तो ये पहला यूनिट है, कंपनी की बाइक है, अपनी नहीं है। अपना था चेसी नंबर 2 जो हमारे पास नहीं है, बट फिर भी इस पे बैठ के थोड़ी पुरानी यादें ताज़ा कर रहे हैं, हम अपनी परी 2.0 को याद कर रहे हैं। एंड जो नया कलर आया ना बॉस, दैट इज़ ऑसम, दैट इज़ टू रू लव, बट अभी यहाँ पे शोरूम में अवेलेबल नहीं है। क्या कह रहा है, उसी की बुकिंग डाली है, नहीं बताना है, नहीं बताना है, बिल्कुल नहीं बताना है। Buying India's first Terra again. क्या टाइटल, अब तो ये डलने वाला है, ये डलना चाहिए। ये, but honestly, this is the first one. देखो, बट ठीक है, जो है first, second का क्या रखा है, बाइक होनी चाहिए है ना। लगाओ, इसको इसको फर्स्ट मिलने वाली है क्या, ऐसा नहीं लगाओ, बुद्धि लगाओ। बोल बच्चों का है ना ये, तो ये बच्चों की बात है, ये सब वो आया भाई। हम तो भाई देखो यार, यूट्यूबर हैं तो भाई हमारा काम है थोड़ा फैंसी डालना। जैसे आप न्यूज़पेपर देखते हो उसमें भी जो टाइटल होते हैं ना वो फैंसी होते हैं, अंदर स्टोरी कुछ और होती है। रीजन बींग ऑडियंस ऐसी हो, देखती ऐसी है, अदरवाइज पहली दूसरी तीसरी चौथी क्या फर्क पड़ता है। तो देखो जी मजा आ गया, अभी हम लोग रुके थे यहाँ पे पार्टी लेने के लिए, सैंडविच खाने के लिए अविनाश से, क्योंकि इसने बाइक बुक कराई है। तो मुझे यहाँ पे अपने मतलब फैमिली मेंबर्स मिले हैं और सारे लोग हमारी वीडियोस देखते हैं, और अभी कुछ चीज अंकल जी बता रहे थे और हमने वीडियो में मतलब कैमरा ऑन कर लिया उसको रिकॉर्ड करने के लिए। देखो ऐसा है जी, हम तो आपके सारे जो है जितने भी ब्लॉग है सब देखते हैं, और आपके सारे डायलॉग हमें याद है, 200 200 200 200, और जो आपकी शायरी है वो शायरी हमें बड़ी पसंद है, चाहे वो कैसी भी है, हमें पसंद है शायरी।
यही फीलिंग होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। कई दिनों से हम खन्ना जी को मिस कर रहे हैं। खन्ना जी एक्चुअली क्या है ना, ये अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने गए थे, हमने व्लॉग में नहीं बताया कि कहाँ गए हैं। वो काम बहुत जरूरी है, लड़का बड़ा हो गया है, मेरे बच्चे भी आपके बहुत फैन है। क्या वो ठीक है, काम से गया था भाई। काम बट गया किसके साथ था? दोस्त के साथ गया। दोस्त मेल था फीमेल थी? बिल्कुल बिल्कुल सही बोला जी, सही बोला। चलो सो बैक टू द डुकाती वर्कशॉप एंड शोरूम अगेन। तो यहाँ पे ना आपको पता है वो लगे हुए थे, क्या बोलते हैं इसको, पैर रखने वाले फुट रेस्ट, तो वो मैंने हटा दिए, एलिमिनेट कर दिए, अभी बिल्कुल क्लीन हो गई टेल। एंड मेलविन की छुट्टी हो रही थी तो अब मैं मेलविन के साथ में जा रहा हूँ, बट कहानी में एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है, मेलविन चलाएगा मेरी बाइक और मैं चलाऊंगा इसकी बाइक, बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू सी दैट बाइक इन एक्शन। एंड ये तो अपनी गाड़ी है बॉस, ये देखो अभी भी खा रहे हैं। डुकाती बेच दी मैंने, बेच के ले ली, पार्टी हम कर ले, देखो पार्टी कर लो, डुकाती बेचने की पार्टी। ओ ये आई नो इट्स ब्यूटीफुल एंड हॉट। वैसे दिस इज द रीजन, ट्रैफिक जैम ना, मैं इस रूट से नहीं आता हूँ, अंदर से लेके आता हूँ एयरपोर्ट वाला रूट। अभी गलती से मिस्टेक हो गई, दोबारा हमने यहाँ से रूट ले लिया धौला कुआ वाला और हम लोग फंस गए। मैं तो कम रहूंगा डेफिनेटली, बट मेलविन रोना शुरू कर देगा क्योंकि बाइक हीट होगी, ट्रैफिक क्योंकि काफी दिख रहा है मुझे। वाहेगुरु जी आपका शुक्र है इतनी अच्छी जिंदगी देने के लिए, है ना, लिविंग ड्रीम लाइफ ब्रो। मतलब बहुत लोगों का सपना है जो मैं आज कर रहा हूँ, कभी मेरा भी था, एंड मैं आशा करता हूँ आप लोग भी अपने सपने पूरे करोगे। जस्ट हैव फेथ एंड कीप वर्किंग हार्ड यार। पहचान लिया तुमने? दोनों ने पहचान लिया। कैसे हो? ठीक हो? हाउ आर यू? ओके प्यारे मेरे बच्चों, तो आपको याद होगा ये लोग मिले थे मेरे को जब मैंने डुकाती की डिलीवरी ली थी सिंड्रेला की, तो फिर मैंने इनको बर्गर पिज़्ज़ा खिलाया था, तो अभी दोबारा मिले, बोले यार वो बड़ा स्वाद था, वो कैसा था, वो रोल टाइप का पिज़्ज़ा, तो दैट वाज अ पिज़्ज़ा मैकपॉ फ्रॉम दिस थिंग मैकडीज, तो उसकी डिमांड आई, वो अच्छा लगा इनको, तो मे बी नेक्स्ट टाइम वेन एवर आई एम विजिटिंग तो मुझे पता है इनकी चॉइस क्या है, मैं ला के इनको दे दूंगा। ओए होए ओए बल्ले बल्ले, मज़ा ही आ गया। हाँ जी सर जी, रिव्यू? फर्स्ट टाइम आई हैव रिडन दिस बाइक। फर्स्ट टाइम on the road. Okay. हाँ पहले बता देता, मैं देता ही नहीं, फर्स्ट टाइम बोल दिया मेरे को। समझ रहे हो आप? तो लगा एक्सपीरियंस है। जस्ट जोकिंग। इट वाज वन वो बस पैच वहां पे जाके मेरे को लगा, मैंने ट्रैफिक में ना कि क्या ले लिया। हो गया मेरे साथ ये तो निकल गया। ये मेरी ट्रिक थी, मैंने ना बाजी देखा घड़ी में ट्रैफिक टाइमिंग हो रहा है, मैंने कहा मेलविन तू चला। ओ ये बेबी मैन, भाई जितना मैं इसको चला रहा हूँ ना उतना प्यार हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है। ऑसम, व्हाट अ हैंडलिंग मैन, खिलौना है, पावरफुल खिलौना। वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस ब्रदर, जल्दी से हमारा ग्रुप ज्वाइन करो, हमें भी संडे राइड पे और मजा आने लगे, हमारे भाई हमारे साथ में हमें ज्वाइन करें, क्योंकि जब से सनी भी गया ना आइडल राइडर, शाहिद भी दूर हो गया, सुबह में उतना मजा नहीं आता, संडे को सारे वापस आ जाओ ना मजा आ जाएगा, जब पहले हमारी चौकड़ी होती थी। ओए होए लो जी, सही चीज सही जगह पहुंच गई और सही डिसीजन लेके हम लोग वापस आ गए। एंड वैसे आपको बता दूं, जितने में Z900 आती है ना और कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं, मतलब ये तो सच्ची बात है। इसका कब से मन था ADV 390 लेने का या Z900 के, तो फाइनली आई एम हैप्पी दैट ही हैज टेकन द डिसीजन। एंड अभी मैं भी जल्दी में हूँ, सब लोग जल्दी में, सबकी छुट्टी करूंगा क्योंकि आज त्योहार वाला दिन है, ऑलरेडी 6 बज गए हैं। आपको भी यहीं पे हम बाय बाय करेंगे क्योंकि आप ये वीकेंड पे वीडियो देख रहे हो और दिल्ली में तो मतलब लॉकडाउन है तो घर बैठ के देख रहे हो ना, तो भाई प्लीज शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ में, और सपोर्ट करना मतलब इस चैनल को सब्सक्राइब करके और करके एक बढ़िया सा कमेंट। मेक श्योर यू फॉलो ऑन इंस्टा एज वेल क्योंकि बहुत सारी पिक्चर्स वहां पे डलती हैं, बिहाइंड द सीन डलता है, जैसे आज जो भी हम वहां पे कर रहे थे कुछ ना कुछ हिंट हम इंस्टा पे स्टोरीज के थ्रू डाल रहे थे। फॉलो मी देयर, मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ में। मेहनत मेरी रहमत उसकी, प्यार आप सभी का, कीप लविंग कीप सपोर्टिंग, साइनिंग ऑफ जेसन।